देखो ध्यान से, ये मेरी चूड़ी नहीं है, चूड़ी है ये। देखो ये एक चूड़ी है, यानी एक सर्कुलर लूप है, सबको दिख रही है ना, छोटी है। यस सर। देखो इसमें करंट फ्लो रही है, हम इसको ऐसे रख रहे हैं। अब मेरी मजबूरी है ऐसे रखें, कैसे खोस करके रखना, ऐसे ही पड़ेगा, समझेंगे आप ऐसे, है ना। देखो एक बार आप बनाइएगा, नहीं एक बार ऐसे ये लूप रखा हुआ था और इसमें ये क्रॉस था, ये डॉट था, ऐसे बना हुआ था बुक में, ऐसे बना हुआ था। तो किसी स्टूडेंट को कोई टीचर पढ़ाता होगा ट्यूशन वगैरह, मैं कॉलेज पढ़ाता था, मैंने यही पढ़ाया, जान कुछ उसने कहा डायग्राम इज रॉन्ग, टीचर बता नहीं पाया आपके स्कूल वाला, उसको तमीज नहीं है कि सर्कुलर लूप नहीं। देखो ये एक सर्कुलर लूप है, हमने एक्चुअली रखा है ऐसे, ऐसे रखने से आपको ये चीज दिखाई पड़ रही है ना, और क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रही है, डॉट का मतलब करंट बाहर निकल, समझदारी वाली है। तो किसी बुक में अगर सर्कुलर लूप बना हो और ऐसा बना हो तो गलत नहीं है, तरीका उसका अलग है। खैर समझिएगा, मैं एक सर्कुलर लूप ले रहा हूँ और सर्कुलर लूप ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे दिख रहा ना, तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बनाए कैसे इसको, तो हम इसको सर्कुलर लूप को ऐसे बना दें, चलेगा। ये ऐसे है, मतलब ये जो ये वाला एंड किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और इसमें ऐसे करंट फ्लो, तो डायग्राम मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल सीधा अगर रखेंगे जैसे पहले बनाया था तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना। अब देखो ये इसका सेंटर है और ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, इसका सेंटर का नाम दे दो, ये इसका सेंटर है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, यहां से जो इसकी डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस पे निकालना है, और इसका जो रेडियस है वो ए है। डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं? Yes. समझ में आया? अब जरा सावधान, अब थोड़ा सा टेक्निकल है। देखो ये चूड़ी है, मेरी नहीं है, बार बार कहते हैं तो कंफ्यूज ना, ये इसमें करंट फ्लो रही है और इसके ये एक्सिस पर एक पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये यहाँ कहीं पॉइंट रास्ते में है। अब देखो मैंने यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस सेंटर पे, जब 3D समझिएगा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए सस्ता वाला फॉर्मूला कौन सा है, मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का सस्ता वाला फॉर्मूला पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल नंबर वन। क्या होता है पाम रूल? थंब करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मुंह मेरा देखो कैसा बन रहा है, मतलब गंदा बन रहा है, मतलब तुम अभी सही नहीं बता रही हो। अर्णव साहब तुम डांट नहीं बोलोगे, गुस्से में बैठे हो क्या? नहीं सर, बाकियों को भी चांस देना चाहिए। नाम तो यार तुमने भेजे थे, हम नोट नहीं किए, अच्छा हम देखे, हम भाई ये नाम किसके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब मुझे याद आया उसमें मीर था, मीर है, प्रज्ञा पाठक, प्रज्ञा है, अभी किसने ज्वाइन किया है, नाम लिख के आया, कोई प्रज्ञा है? प्रज्ञा हाजिर हो? सो कनेक्टिंग टू ऑडियो है कनेक्टिंग, अच्छा मीर है ना, बताइए मैग्नेटिक फील्ड एक्शन कैसे निकालेंगे? अच्छा मीर सोच रहे होंगे अर्णव के ऊपर गुस्सा हो रहा है, तुमने क्यों नाम भेज दिया भाई, दिव्यांशी कोई है ना सर, राइट हैंड था वो पाम रूल यूज करेंगे ना, जो सबसे पहला वाला है। नहीं ये कोई रूल थोड़ी, वो बताना पड़ेगा ना, सुने ध्यान से, हम राइट हैंड पाम को इस तरह फैलाते हैं, करंट की डायरेक्शन में हम रखेंगे अपनी अंगूठा, और देखो ये पॉइंट ऐसे आएगा ना, अब इसको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, जरा समझिएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, तो आपने क्या किया, यहाँ से छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl लिया, डायग्राम थोड़ा 3D समझिएगा, ये फिगर ऐसे आ रहा है, समझा नहीं बनी है, ये फिगर ऐसे आ रहा है, ध्यान रखिएगा, और इससे x डिस्टेंस पर ये पॉइंट p था, इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। अब कैसे करेंगे जरा समझिएगा, अब मेरी हाइट अगर होती जो है श्रीराम बड़ा हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, तो देखिए अब कुर्सी पे खड़े हो जाए क्या, देखो ये क्वाइल ऐसे आ रही है,
ये क्वाइल ऐसे आ रही ना, हाँ बोलो। यस सर। तो अगर इस क्वाइल तरफ हम ऐसे अपना अंगूठा करते और इस पॉइंट तरफ ऐसे उंगली करते तो मैग्नेटिक फील्ड इस हथेली के परपेंडिकुलर होता, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। पक्का? यस सर। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा हमने, दैट इज dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडियल साइन, क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब जरा थीटा क्या होता था, करंट और लेंथ एलिमेंट के बीच में, नहीं सॉरी, लेंथ एलिमेंट और आर के बीच में डिस्टेंस। देखो ये आप ले रहे हो लेंथ एलिमेंट है ना, और आर ले रहे हो ऐसे इसके टेंजेंशियली, तो लेंथ एलिमेंट और टेंजेंट के बीच एंगल कितना है, 90। तो ये साइन 90 होगा। अर्णव साहब सही मैंने बोला, बिल्कुल पकड़ में आई बात नहीं है? सही बात, फिर से बता दो। देखो थोड़ा एक्चुअली हाइट अगर बड़ी होती तो कुर्सी में पड़े हो जाए, कुर्सी गिर जाएगी। देखो ये वाली क्वाइल ऐसे आ रही है। यस सर। ऐसे आ रही है ना क्वाइल? यस सर। और ये इस क्वाइल का ये सेंटर है? यस सर। सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। अगर मैं इस छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लूं ऐसे, ठीक है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो मैं क्या करूंगा, इस लेंथ एलिमेंट तरफ अपना अंगूठा करूंगा ऐसे। यस सर। और ये वाली जो लाइन खींची है ऐसे मैं अपना अपनी हथेली करूंगा इस वाली लाइन के अलावा, ऐसे हथेली करूंगा ना अपनी, तो हथेली मेरी इस वाली लाइन के अलावा आएगी। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर। अच्छा सर, वो 3D में परपेंडिकुलर है? 3D हो जाए 2D हो, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जरा देखिए, ये लेंथ एलिमेंट है, करंट जहां फ्लो हो रही है, और आप जो पॉइंट ले रहे हो ये लाइन खींच रहे हो ऐसे एक्स डिस्टेंस, yes, तो आप ये टेंजेंट खींच रहे हो ना, ये वाली लाइन। यस सर। टेंजेंट और लेंथ एलिमेंट की एंगल कितना है, 90। तो थीटा 90 हो गया, ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर, बस ये वही वाला कहावत था ना कि पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा, जय माता दी कहते जा, समझ में सब आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, ये 90 डिग्री है। अब जरा समझिएगा, ये करंट ऐसे आई और यहां से अंदर एंट्री करी, तो यहां पर भी मैंने एक लाइन एलिमेंट लिया और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे डीपी होगा और सेम वैल्यू होगी, यही होगा कि नहीं होगा? केवल इस अपोजिट को ले रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, अब मैं इसके कंपोनेंट लेता हूँ, पहले पूरी बात समझिएगा। जरा यहाँ पे आओ, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ऐसे हमारी लाइन जाएगी। यस सर। और यहां पे जाएगी तो ऐसे लाइन जाएगी, यानी कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को इस क्वाइल के चारों तरफ आप बनाओगे, चारों तरफ, तो आपको ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ेगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ये अपोजिट इसके हर अपोजिट ऐसे दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा ऐसे। सर, लाइक कोण की तरह? हाँ, ऐसे दिखाई पड़ेगा ना चारों तरफ। यस सर। अच्छा, जरा देखिए ध्यान से, इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए। अब मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लिया। अब जरा सावधान, थोड़ा सा एंगल समझने की कोशिश करिएगा। देखो अगर मैं इसको फाई मान, जरा देखिए ध्यान से, ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। यस सर। ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है। यस सर। तो कहने का मतलब, अगर ये वाली लाइन इससे फाई घूम गई, ये वाली इससे फाइव घूम गई, तो yes, ये वाला एंगल फाइव होगा कि नहीं होगा? फिर देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था ना, तो ये वाली लाइन, yes, और sir, ये वाली लाइन 90 डिग्री है कि नहीं है? यस सर। और ये वाली लाइन 90 डिग्री है कि नहीं है?
तो जब ये वाली लाइन फाइव से घूमेगी ये भी फाइव से घूम जाएगी भाई। अगर ये दो 90 डिग्री हैं, तो अगर एक को फाइव से घुमाओगे तो दूसरी भी फाइव से घूमेगी, तभी तो एंगल सेम रहेगा। क्यों पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? पॉइंट यही पकड़ लीजिए, उस काम खत्म हो गया प्रूफ। क्यों अर्णव साहब, मेयर साहब, दिव्यांशी है कोई? नहीं है। देखो ध्यान से, तो डीबी का ये जो कंपोनेंट होगा वो डीबी कॉस फाइव होगा। अब ये ना कहना साहब वर्टिकल कंपोनेंट साइन होता है, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस होता है, और ये वाला कंपोनेंट डीबी साइन फाइव होगा। यहां पे हम ये फाइव तो ये फाइव, तो ये वाला कंपोनेंट डीबी कॉस फाइव होगा और ये वाला डीबी साइन फाइव फिर होगा। अब बताओ ये वाला डीबी साइन फाइव होगा, अब बताओ ये दोनों कैसे हैं? इक्वल एंटी पैरेलल अपोजिट, तो देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो। अब देखो आप इस क्वाइल में कोई भी पॉइंट लो, इसके जस्ट अपोजिट ये, इसके जस्ट अपोजिट ये, इसके जस्ट अपोजिट है, तो हर जगह ये वाले कंपोनेंट एंटी पैरेलल होंगे। यस सर, इक्वल एंड एंटी पैरेलल, तो देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो एक्चुअली में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? ये होगा डीबी साइन फाइव। डायग्राम क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये पी पॉइंट है, तो बी इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करते, क्योंकि ये सर ये जो क्लोज कर्व है इसने क्लोज इंटीग्रल डीबी कॉस साइन फाइव, तो क्लोज इंटीग्रल डीबी होगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इनटू साइन फाइव। जरा साइन फाइव की वैल्यू बता, यहाँ पे साइन फाइव की वैल्यू क्या होगी? ए बाय एक्स, ए बाय एक्स, एक्स पक्का? यस सर। तो यानी कि इसको हम ए बाय एक्स लिख सकते हैं। एक मिनट म्यूटेड हो, ये ए बाय एक्स हो जाएगा। इसमें इंटीग्रल किसका हो रहा है? कहाँ फाई कहाँ है? अच्छा फाई नहीं है। अब इंटीग्रल किसका हो रहा है? डीएल का हो रहा है। यस सर। तो आप सबको बाहर निकालो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन एक्स क्यूब इंटू ए इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल। जरा इस डीएल का इंटीग्रल कोई बता सकता है? कोई है बहादुर? ही बहादुर या शी बहादुर, ऐसा बोलते हैं ना? फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होगा। इतने बहादुर? यस सर। अरे भाई साहब डीएल क्या है? टू पाई आर। हाँ इतना बहादुर हो जाओ हो गई कहानी। ये टू पाई आर है भाई, इसकी ये सर्कुलर लूप है, ये कोई सर्कुलर स्फीयर नहीं है। स्फीयर भी होती तो उसका लेंथ थोड़ी होता, ये टू पाई ए, यानी कि बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई ए अपॉन एक्स क्यूब इंटू टू पाई ए। टू पाई, टू पाई अपने घर गई, ऊपर का बची म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू एक्स क्यूब। एक्स को बैक करो भाई, एक्स को क्या ले सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आपको ये थोड़ी दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सिस की सेंटर से दूरी पॉइंट की दी हुई होगी, रेडियस आपको लूप दी हुई है, तो एक्स तो दिया नहीं होगा, तो इसको ले सकते हैं म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू, लिख सकते हैं। तो ये नन्हा सा प्रूफ है, कैसा लगा प्रूफ? टफ है क्या? नहीं सर, बस आप डायग्राम क्लियर कर लीजिए और कुछ नहीं, नोट करिए इसको।
डायग्राम सुंदर सा लग रहा है? यस सर। इसमें गुड लिख दें हम? यस सर। वाह क्या बात। यस सर। हम कभी कभी इतना ही लिखते हैं सर। एक्सेलेंट लिखो। नहीं एक्सेलेंट नहीं लिखते। एक बार गुड लिख रहे थे और डबल ओ लिखने के बाद पेन की इंक खत्म हो गई, तो हमने ध्यान से उस वर्ड को देखा, हमका अच्छा वर्ड है, हमने कहा इतने ले जाओ तुम। बोले सर हमका बहुत गंदा काम किया। तब से हमने सबको 75% गुड सबको और डी किसी किसी में लगाते हैं। अच्छा बना हुआ डायग्राम, नोट करिएगा। समझ में आ गई बात? ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या कुछ सिलेबस बाइफरकेट हुआ है क्या? Yes, sir. सर हमारे दो बोर्ड्स होंगे, मतलब हाँ ये तो मुझे मालूम है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसे इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया, लेकिन शायद सीबीएसई ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। सर अभी टर्म्स के सिलेबस नहीं आया, टर्म्स के सिलेबस नहीं आया तो हम लोग इस... अच्छा बच के ना हमारे 11th के मार्क्स भी नहीं लगेंगे फाइनल्स। सो इज लाइक सर हमारे बस पहले तीन चैप्टर आ रहे हैं। नहीं अभी 11th के कहां, अब तो अब आपके एग्जाम तो होंगे ना। यस सर। अब तो लोग कोरोना की पूजा कर रहे हो तो अलग ही बात है। हे डेल्टा प्लस आ जाओ, हे डेल्टा प्लस। अभी सब चिल्ला रहे हैं कि वो मेरे नंबर ज्यादा आते हैं और गवर्नमेंट ने बड़ा गड़बड़ किया। अभी गवर्नमेंट सबकी एप्लीकेशन मांग रही है कि गिव द एप्लीकेशन इन अगस्त आई विल टेक द एग्जाम। अभी कोई एप्लीकेशन नहीं थी। जैसे एप्लीकेशन मांगा जाएगा जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं वे आ जाए मैदान में, अभी कोई नहीं आएगा। समझ में आ गया? Yes, अब बताइए इसमें अगर करंट ज्यादा फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी कि इफ देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स देन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a square plus r square to power 3/2। ये भैया r x और इसमें कंफ्यूज मत होना। किसी ने इसको x मान लिया, किसी ने इसको r मान लिया और आप लिए बैठे हो r। ये देख लो r किसको माना गया, ठीक है? अब यहां पर एक स्पेशल केस समझिए, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल। और कोई स्टूडेंट गर्ल्स में नहीं बोलती क्या? पढ़ती वढ़ती नहीं कि गुस्सा होकर बैठी रहती? फैन में नहीं बोलूंगी, बहुत पक पक बोलता रहता मास्टर, कॉपी क्या करता। पढ़ रहे हैं ना सब लोग? किसी का नाम बता दो। हैं नाम? नहीं नहीं नाम एक्चुअली मोबाइल दूसरे में लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए इसको हम बैक कैमरे से पढ़ाएंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा क्या? नहीं सर ऐसा। क्यों? सेल्फी कैमरा कम मेगापिक्सल का होता है, बैक वाला ज्यादा मेगापिक्सल होगा तो पर मतलब क्लियर दिखता है तो फिर ठीक है। एक्चुअली मैं बैक कैमरे से इसलिए, हम एक्चुअली क्या होता है हम तुमको तो पढ़ा रहे हैं ना तो हम तुम्हें नहीं देख रहे, हम अपने एक्शन देख रहे हैं। ऐसा भूत टाइप का चेहरा बना रहे तो कम से कम लगता है हम एक्टिव है, एक्टिव है। अब पीछे करेंगे तो मोबाइल का पीछे का वो सब कैमरा दिखेगा नहीं। खैर समझ में आ गया। अब यहाँ एक स्पेशल केस लिखिएगा, स्पेशल केस जरा देखिए। अगर ये पॉइंट खींच करके सेंटर पे कर दो, इफ पी यानी इफ द पॉइंट इज एट द सेंटर, इफ पॉइंट पी इज एट द सेंटर, क्या चेंज होगा इसमें? आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आर जीरो हो जाएगा ना ये सर। तो बाई क्वेश्चन वन यहाँ आर को जीरो कर दो तो b इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए की पावर क्यू। एम राइट? यस आई एम राइट। ए कट जाएगा तो आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ए। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर क्वाइल का प्रूफ हमने इसके पहले वाले क्लास में दिया था, याद है? यस सर। वही तो ये है, वहां पर म्यू नॉट आई अपॉन टू ए आया था, बाद में नंबर ऑफ टर्न्स एन लिया था तो ये फॉर्मूला आया था, याद है ना? तो ये वही है। अब आपको ये बताइए अगर ये केस आएगा तो हम कहां से प्रूफ करेंगे? जरा देखो ध्यान से, ये डेरिवेशन आप वो वाला नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप एंड हेंस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो हेंस का मतलब यू हैव टू यूज दिस डेरिवेशन टू फाइंड दिस रिजल्ट।
तो डायरेक्टली यू कैन नॉट गो टू दैट रिजल्ट, यू हैव टू यूज दिस रिजल्ट. हेंस वर्ड जानते हो ना, अब कोई हेंस लिखा बोले पूरी अवतार, हेंस का मतलब आपको इस प्रूफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, नोट करें. अब देखिए, नोट कर लीजिए फिर बताएं. इसमें बहुत गर्मी पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें. तो भगवान से करें अगले जन्म में मलेशिया वगैरह जन्म देना, भले कुत्ता उत्ता बना देना, इंसान ना बनाना, चलेगा हैं? तो कम से कम टेम्परेचर बढ़िया रहेगा, 19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां 19-20 रहता है, आराम से टहला करेंगे. हो गया, डायग्राम देख देख के हमको बड़ा अच्छा लग रहा. वाह, नहीं मतलब सबको अच्छा लग रहा होगा. पहले के चैप्टर तैयार है अनु साहब? यस सर. का आरडी शर्मा, आरडी शर्मा कह रहे हैं सर, करंट चल रहा है अभी, वो फ्राइडे तक सैटरडे तक कर लूंगा. हां, ये चैप्टर खत्म होने के बाद जिस दिन खत्म होगा उसके 10 दूसरे दिन बिना बताए करंट के न्यूमेरिकल होंगे, लगाना शुरू कर दीजिए. ठीक है, ऐसे नरोड़ा से लगाते रहिएगा, उसमें जो दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिए आप. फिलहाल हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं. इसी टॉपिक को हम बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, यही टॉपिक लंबा खींच सकता है. यस सर, आप लिखिए. तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको डीपली जाते हैं. हमारा मतलब ये बिल्कुल अंदर से उसको खोद के ला ज्यादा आनंद आएगा. कुछ लोग सोने लगते हैं, बोले तुम खोदो फिलहाल, जब आ जाए बताना. सुनो ध्यान से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ध्यान से. ये क्वाइल थी ये ऐसे, तो हमने ये क्वाइल फिलहाल तो ऐसे बनाई. देखो जब करंट फ्लो हो रही होगी ऐसे, अब इस क्वाइल को एक्चुअली मैं 3D बनाना चाहिए था. मैं 3D बना दे रहा हूँ, 3D बना नहीं पाता हूँ, करूँ क्या, सोच रहे कोई आर्ट. ये ऐसे क्वाइल आ रही है, तो इस क्वाइल को हमने ऐसे बना दिया. तो यहां पर करंट जब फ्लो हो रही है, तो अगर किसी भी जगह के क्वाइल को पकड़ोगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, उसके सर्कमफ्रेंस को ऐसे कर्ल करता हुआ होगा. तो यानी कि कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहां लोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर कर्ल करता हुआ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा. क्यों भाई? यस सर. अब देखो ये चूड़ी है, मेरी नहीं है, बार बार बता देता हूँ, मैं नहीं पहनता हूँ. नहीं होता, नेताओं में दिया जाता ना, कभी कभी कुछ होता तो प्रधानमंत्री को चूड़िया भेजते हैं. देखो ये करंट लिया हमने, ऐसे पकड़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इधर पकड़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा. और जब अंदर से जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके सेंटर पे से खड़ा हो जाएगा. तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, बिल्कुल सेंटर के. आप इसको पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करंट, तो जिधर आपका अंगूठा जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी क्वाइल को ऐसे पकड़िए और जिधर आपका अंगूठा जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, एक चीज और, ये मेरी उंगली कैसे घूम रही है? सर आपके लिए क्लॉकवाइज. अरे अरे मैं अपनी बात करूँ ना, अभी हम जिसलिए हम बना रहे हो इसे उल्टा किए दे रहे हो सब, जितना हम मैं बना रहा हूँ गुड़ गोबर किए दे रहे हो. हम इधर से क्या करें, आप इधर तुम खड़े हो, उधर बैठ के बात करो. कैसे घूम रही है? अगर किसी क्वाइल में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, बोले तो टिक टिक टिक, कौन सा वाइज है? अरे ये कौन सा वाइज दिख रहा है आपको? अब अपनी तरफ से मेरी तरफ उधर ही देखो, ये क्लॉक वाइज दिख रहा है. यस सर. वहां पर ये साउथ पोल बनेगा, है ना? और अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉक वाइज, तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा. ये क्वाइल थी, हमने करंट फ्लो कराई है ऐसे, और हम ऐसे करंट अपनी तरफ से देख रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये क्लॉकवाइज फ्लो रही है, और आप इधर से देख रहे हो तो कौन सा वाइज हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज. मतलब मेरी तरफ से ये क्लॉकवाइज फ्लो रही है, क्लॉकवाइज फ्लो रही मतलब इधर साउथ पोल है, और इधर से देखेंगे तो
नॉर्थ पोल है, तो कोई भी क्वाइल जिसमें करंट फ्लो रही है वो दोनों उसमें पोल होते हैं, नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है, यानी वो एक कंप्लीट मैग्नेट है। ये नहीं होता है करंट ऐसे फिर साउथ और नॉर्थ आ गया, वो देखने वाले पे, अगर इधर से क्लॉक देखोगे इधर से एंटी क्लॉक देखेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। आप लिखिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स साहब ने सर्किट के बारे में एक लॉ दिया था, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है और जिसको हम बार बार कहते हैं एग्जामिनर्स लव सीट वाला है, वही वाला है ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये क्लॉक रूल समझ में आ गया, राइट हैंड थंब रूल भी समझ में आता है आपको। यस सर। देखो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या बात भी बताएंगे, जरा इसकी उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक बता देते हैं। देखो एम्पियर साहब ने कहा कि अगर ये करंट फ्लो हो रही कहीं पर, बताइएगा नहीं है गलत बन रहा है, अगर करंट फ्लो हो रही है कहीं पर तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ऐसा हम पढ़ चुके होता है ना। तो एम्पियर साहब ने कहा एक्चुअली ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट होता है पहले ये बताइए आप। करंट की वजह से फ्लो हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से फ्लो हो रहा है ना। यस सर। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है उतना ही फ्लो होगा और क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, आई क्रिएट होगा, जितनी इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, ज्यादा करंट फ्लो हो रही होगी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन भैया एक बात है, हमने यहां मैग्नेटिक फील्ड देखा और आई थी 10 एम्पियर, तो नियमता यहां 10 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए जो भी उसकी यूनिट हो। क्यों अनु साहब सही करूं मैं भाई, एम्पियर तो यही बोल रहे हैं। तो उन्होंने हमने एम्पियर से कहा भैया ये बताओ फोन किया पागल बना रहे हो, करंट इसमें 10 एम्पियर है, यहां पर 10 एम्पियर होने चाहिए, यहां तो 5 ही एम्पियर है। तो उन्होंने कहा एम्पियर साहब ने कि भैया जब मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। तो उन्होंने कहा भैया उतना ही हो रहा है, लेकिन क्या करें मीडियम ने उसको इतना एब्जॉर्ब कर लिया, तो उन्होंने कहा इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। समझ में आई बात? Yes. अभी पूरी स्टेटमेंट मैं नहीं बता रहा हूं, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इस वायर ने अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, ऐसे क्रिएट करता है ना, अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिलहाल इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो ये करंट है और ये मैग्नेटिक। अब जरा देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे हो रहा है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को घेरो, इस मैग्नेटिक फील्ड को घेर लिया हमने, और कितना घेरा, ये पूरा जो हमारी लंबाई थी ये 50 मीटर थी, ये पूरी 50 मीटर में घेर लिया, ठीक है। और यूनिट लेंथ में हमने देखा दो मैग्नेटिक लाइंस हैं, यूनिट लेंथ में दो मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो हमने टोटल इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 100। अभी आप समझते रहो कुछ इबट ना करना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हमने कहा थोड़ा सा थोड़ा बड़ा कर दो, 10 मैग्नेट लाइन कर दो, ये 500 हो गया। उन्होंने कहा इसी मैग्नेट लाइंस को दूर जाके घेरो, दूर घेरो जाकर के, और ये इसकी लंबाई कर दो 100 मीटर, ये 100 मीटर कर दो, ये 50 मीटर था, ये 10 लाइंस थी, और यूनिट लेंथ में देखा हमने यहां पर 5 लाइंस थी, तो फिर 100 × 5 किया तब भी 500 आया। हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने इसको और दूर जाके घेरा और इसकी लंबाई कर दी 500 और यूनिट लेंथ में एक लाइन आई, हमने देखा अभी मल्टीप्लाई बना 500 आ रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जरा दूसरी तरीके समझिएगा, आप लोग फील्डिंग लगाते हैं नहीं लगाते हैं? लड़कों से लड़ाई होती है तो आपसे फील्डिंग लगती है, भाषा सुना नहीं सुना आपने हमारे कई स्कूल में बच्ची भाषा नहीं नहीं सुना नो सर। हाँ या ना? नो सर। अच्छा नो, यहाँ फील्डिंग लगा लेते हैं, किसी से लड़ाई हुई मान लिया, अब हम अकेले तो लड़ ही सकते, तो अब बताइए हम अगर यहाँ पर लड़कों को घेर के खड़े होंगे, ऐसे हमारे दोस्त खड़े चारों तरफ और यहाँ से निकलना है
तो इतने में ही आप घेरेंगे, और अगर इतने में घेर के खड़े हुए हैं तो संख्या कम हो जाएगी नहीं कम हो जाएगी? हम तो 20 लड़के लेके आए थे और दूर से घेर के खड़े हुए हैं तो संख्या कम हुई कि नहीं हुई पर yes. पर यूनिट लेंथ, लेकिन टोटल संख्या तो उतनी है नहीं है? यस सर। तो टोटल 500 ही आएगी। जैसे एक बार मैं एक जगह निकल रहा था तो मैं साइकिल चलता, अरे आपको घर मोटरसाइकिल चलता हूँ, और एक लड़के की फील्डिंग लगाए थे, लड़के फिल्मी स्टाइल में ऐसे घेरे खड़े थे, कोई बेल्ट लिए था कोई ये लिए था, और वो अकेला लड़का बेचारा, और मैं साइकिल से निकल रहा था, वो सब मेरे स्टूडेंट थे। मैंने ध्यान से देखा तो मैं क्या करता, मैं रुक करके भाषण देता क्या करता बताइए? जानते हो हमने क्या किया? क्या किया हमने? घंटी बजाई और उसकी फील्डिंग के पीछे ही साइकिल निकाल दी। अब चूंकि मेरी घंटी थी, लड़कों ने सोचा सब ध्यान न दे, हट गए, और जैसे हटे बिचला भाग गया, बच गया वो। तो फील्डिंग समझाई क्या कैसे हमने बांधी? पहले मैंने कम लेंथ में बांधी, दूसरी लेंथ में बांधी, तीसरी लेंथ में बांधी। तो क्या एम्पियर साहब ने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भैया टोटल वैल्यू हमेशा 500 ही रहेगी। समझाई बात नहीं आई? तो उन्होंने कहा अगर बी का मल्टीप्लाई, बी की डायरेक्शन किधर है? इसकी लेंथ के अलावा है ना, बी की डायरेक्शन किधर है? इसके टेंजेंट डायरेक्शन में है ना। तो ये लेंथ है डीएल, ये लेंथ है डीएल, ये लेंथ है डीएल, ये लेंथ है डीएल, बीडीएल बीडीएल बीडीएल, तो बीडीएल कर दिया, बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीगल, टोटल वैल्यू क्या है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। इसको कहा जाता है लाइन इंटीग्रल। जब किसी लेंथ के अलावा इंटीग्रल करते हैं इसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट का मैथमेटिकल मेथड समझ में आया? नहीं, हमने जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो स्टेटमेंट लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, द लाइन इंटीग्रल जब कोई इंटीग्रल किसी लेंथ के लंग होता है तो लाइन इंटीग्रल होता है, एरिया के लंग होता है सरफेस इंटीग्रल होता है, वॉल्यूम के लंग होता है वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट is mu naught times the total current threading, अब इस वर्ड को पकड़ाएंगे भैया, रुक जाओ, threading or passing through this closed circuit थ्रेडिंग क्या होता है? थ्रेडिंग जानते हो क्या होता है? नहीं, वो गर्ल्स को सोच रही हूँ, दोबारा थ्रेडिंग में नहीं बोल रहा हूँ। थ्रेडिंग जानते हो क्या होता है? एक तो थ्रेडिंग होता है वो एवरो एवरो ऐसे ऐसे करते टक 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 लोग करते जिनके होती है बनाई हुई। थ्रेडिंग जानते हो क्या होता है? जो नेली का होल होता है उसके थ्रू धागा डालते हैं। क्या क्या क्या? जो सुई होती है उसके होल के थ्रू धागा डालते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, धागा डालने को थ्रेडिंग बता रहे हैं। नाम करो, ये कोई बात नहीं, कोई बताएगा थ्रेडिंग क्या होता? नहीं, गर्ल्स जो कढ़ाई वगैरह करती है उनको मालूम। एक सेकंड जरा, कौन बनती है भाई? जो लड़कियां कढ़ाई वढ़ाई करती होंगी थ्रेडिंग जानती होंगी। क्यों जानते हो कोई लोग? पावनी थ्रेडिंग नहीं जानते हो? सर, आई थिंक थ्रेडिंग का मीनिंग होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को थ्रेड से भरना। आप कुछ हद तक सही पूछे, जरा सुनिए ध्यान से। आपने देखा होगा कि एक जो लोग कढ़ाई करते हैं, एक सर्कुलर एक लकड़ी का फ्रेम होता है। yes, उस फ्रेम के अंदर कपड़ा कस दिया जाता है और ऐसे सुई डालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ऐसे सुई डालते हैं, ऐसे निकालते हैं, उस पर डिजाइन बनाते हैं। याद है? मतलब याद मतलब मालूम है।
तो ये स्कूल में कभी कभी दिखाने वाले भी आते हैं, फट से करके बेच जाते हैं, सुई भी लेके आते हैं। तो थ्रेडिंग का मतलब होता है ऐसे सुई डालना और ऐसे निकालना, थ्रेडिंग होता है। तो करंट ऐसे आ रही है और ऐसे निकल रही है, इसलिए थ्रेडिंग वर्ड यूज किया गया। अब लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए जरा, अब हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो आपका हमना थ्योरी है उसको मैं डायग्राम में समझाता हूँ। क्या कहा गया उन्होंने? उन्होंने कहा द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट। ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है। एक्चुअली में क्लोज किया गया है। देखिए करंट इसके अंदर से एक वायर ऐसे निकला हुआ है, एक वायर ऐसे निकला हुआ है और इसमें करंट आई फ्लो रही है ना, और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? कर्लिंग, यही है ना। तो मैंने ऐसे ही उस एक थोड़ी डिस्टेंस पे जाकर के, आर डिस्टेंस पे जाकर के हमने क्या किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे फील्डिंग कर ली है। तो इसी के लिए कह रहे हैं देखो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके टेंजेंट के अलांग। तो ये डीएल लेंथ है और ये बी है, तो बी डीएल जो है बी डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई है। तो थ्रेडिंग बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट करें फिर प्रूफ कराते हैं। अब देखिए मैं बी डॉट डीएल लेके चलूंगा और वो अपने आप म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आ जाना चाहिए, अपने आप आना चाहिए। अब जरा देखिए डायग्राम क्लियर हो गया होगा ना, इसको प्रूफ करने जा रहे। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल लिखते हैं, बताओ इस डायग्राम में बी और डीएल के बीच एंगल कितना है? बी और डीएल के बीच एंगल कितना है? जीरो है। तो इसको आप क्लोज इंटीग्रल बी डीएल कॉस जीरो कर सकते हैं, कॉस जीरो वन होता है। अच्छा अब बताओ यहाँ इंटीग्रल किसका हो रहा है? इंटीग्रल बोले तो सम किसका हो रहा है? डीएल का हो रहा है। तो बी बाहर कर दिया और ये क्लोज इंटीग्रल डीएल हो गया, तो बी बाहर हो गया, डीएल टू पाई आर हो गया। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। कैसा करंट कैरिंग कंडक्टर? स्ट्रेट। लेंथ कितनी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आर डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अरे आपको याद होगा आपने कहा था फाइव वन ये 90 डिग्री, फाइव टू ये गिर जाएगा 90 डिग्री, याद आया? बोले नहीं आप तो इधर देख रहे थे, चलो इधर ही देख रहे थे, ये फाइव वन जा रहा था 90, ये फाइव टू जा रहा था 90, अभी याद आया? बोले आप चाहते ड्रामा करो, हमको नहीं याद आएगा। म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर। वेरी गुड, वेरी गुड, कहलवाने के लिए इतनी देर तो तुमने गड़बड़ कर दिया। बताओ म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर इंटू टू पाई आर, कट्टिम पट्टिम करो क्या आएगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आ गया। दिस इज एम्पियर्स लॉ, इसी को एम्पियर्स लॉ कहते हैं। हमें बी डॉट डीएल निकालना था, ये आना चाहिए था। हमने मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ा कहां? आर डिस्टेंस से पकड़ा। भाई मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ना पड़ेगा ना किस जगह का? भाई मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के नजदीक भी है, दूर भी है, बहुत दूर तक है। तो हमने आर डिस्टेंस से पकड़ा उसको, ठीक है? तो पकड़ा तो कैसे पकड़ा उसको? इस सर्कुलर पकड़ में आया, जहां जहां गया उधर उधर चले गए। जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था उधर जा रहे थे। चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, पहुंच गया जा। तो चाचा किधर मूव कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, हमने यहाँ पकड़ लिया। तो अब बी डॉट डीएल निकाला हमने, हमको बी डॉट डीएल निकालना था। अब बी और डीएल के बीच एंगल कितना था? जीरो डिग्री, क्योंकि डीएल का मतलब पाथ, जिस रास्ते में पकड़ रहे थे और जिधर जिधर वो जा रहा था उधर ही जा रहे थे, वो रास्ता सेम था, थीटा जीरो था। तो बी डीएल का जीरो हो गया, बी को बाहर निकाल लिया, डी का डीएल का इंटीग्रल किया, तो डीएल का इंटीग्रल टू पाई आर होगा। यस सर। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से? स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। कहां पर? आर डिस्टेंस पर। कितनी लेंथ का? इनफाइनाइट लेंथ का। तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर होता है। यस सर।
टू पाई आर ऊपर नीचे कट गया, म्यू नॉट टाइम्स पाई हो गया, यही तो एम्पियर्स लॉ होता है, यही होता है ना? यस सर। प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कैसे लिखे कैसे। तो पहले तो ये समझ आएगा एम्पियर साहब ने रूल लाए कहां से थे, कहां से दिमाग लगाया था, नहीं उसमें हम नहीं थे, लेकिन ऐसे को लगाया होगा। अब हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। इसको ये बता रही थी ना ये पावनी की कितने टर्न ये चलेगा, देखो दो टर्न तो पूरा पूरा चलेगा ये, ठीक है पावनी मैडम? सर मैं वैसे नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी आप पूछ सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है कि हम आपसे पूछ सकते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ ये कोई हम उसने तो हमसे कैसे पूछ लिया, मैं तो मास्टर हूँ। अरे मास्टर कोई तू थोड़े हूँ। देखिए दो टर्न चलेगा और चवन्नी भरा और चल सकता है, मतलब दो टर्न चलेगा, जैसे साइक्लोट्रॉन को टाइम लगेगा समझाने में, है कुछ नहीं, दो मिनट का भी है और 25 मिनट का भी और एक घंटे का भी, ये डिपेंड करता है कितना एक्सप्लेन आप करते हैं। तो दो टर्न आप कम से कम चलाएंगे। देखिए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन हम बताने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। नंबर वन लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट इनफाइनाइटली भी कुछ लोग बोलते हैं तो हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर। ये कहीं टॉपिक आपने पढ़ा है ना, वही वाला फाइव वन फाइव टू याद आया? यस सर। वही है, लेकिन इन्होंने कहा एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करिए, चलिए अप्लाई करते हैं। ये एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसमें एक करंट आई फ्लो रही है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक विद द वायर एज एन एक्सिस। हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की फील्डिंग की, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये डीएल था, तो हमने आर डिस्टेंस पर इसको हमने घेरा। तो बाई एम्पियर्स लॉ क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, होता है ये, होता है, हमने हमको प्रूफ नहीं करना है, ये तो दिया हुआ है, इसको खोल दो, क्लोज इंटीग्रल बी डीएल कॉस जीरो इज इक्वल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, b निकालना है तो इसका 2 पाई r होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ i होता है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r, यही प्रूफ किया था ना आपने, प्रूफ यही किया था आपने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, प्रूफ हो गया। सर एक बार एम्पियर लॉ की लॉन्ग स्टेटमेंट बता सकते हैं? स्टेटमेंट लॉ किसकी, एम्पियर लॉ, तो लिखिए एम्पियर्स लॉ, द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल, देखिए जब बी को डीएल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब बी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे सरफेस इंटीग्रल, जब आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल, समझ में आई बात नहीं आई? यस। तो द लाइन इंटीग्रल, देखो जैसे आप वाई डीएक्स करते हैं ना, तो वाई और डीएक्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहले आप y और dx को मल्टीप्लाई करते हैं ना, यस सर, और फिर आप सम निकालते हैं उसी को इंटीग्रल कहते हैं, तो यहाँ b का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, dl से, लेंथ से कर रहे हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या दिया गया, लाइन इंटीग्रल, तो कंफ्यूज मत होइएगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट अराउंड एनी क्लोज सर्किट
is equal to mu naught times is equal to mu naught times the total current threading are passing through this closed circuit threading are passing through this closed circuit. तो टॉपिक समझ में आ गया? Yes. वैसे तो प्रूफ अगला है सोलेनाइड, लेकिन लेंदी है, टाइम ज्यादा लेगा, इससे सोलेनाइड और टोराइडल ये और फोर्स दो टर्न में करवा देंगे, बहुत ज्यादा बचेगा, साइक्लोट्रॉन बचेगा, एक टर्न ले लेगा, दो टर्न मतलब 70% दो टर्न और 100% तीन टर्न, ढाई टर्न कहिए, तो न्यूमेरिकल तब तक आप लोग लगा लेंगे, ठीक है? तो समझ में आ गई आज की बात? Yes. Yes, sir. सभी लोग पढ़ लीजिएगा, गुड नाइट, थैंक यू सर.